तो हाय गाइस, कैसे हैं आपके हालचाल? गाइस मैं हूं टेक सुबोजी। तो कैसे हैं? अब जो मैंने बताया था कि 20,000 के जो फोन मैं आज बताऊंगा, ये जो 20,000 का फोन है बहुत ही बड़ा फोन है, बहुत ही लंबी लिस्ट है गाइस। तो मुझे क्या बताऊं, जब मैं रिसर्च कर रहा था कि 20,000 के जो नया फोन लॉन्च होगा, तो मुझे ऐसा चक्कर से आ रहा था कि देखा जाए तो इतना बड़ा लिस्ट है, मैं कैसे प्रोवाइड करूँ। तो सब कुछ डिटेल्स में लाके मुझे लिख के समझ के मुझे लेने के लिए बहुत ही टाइम लग चुका था। तो इसलिए गाइस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए जाना। और गाइस बहुत ही मेहनत से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस वीडियो को देखिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊंगा। चलिए गाइस 20,000 के बजट के जो जो फोन है आज मैं उसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। 20,000 के बजट के जो जो फोन है, ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को आज जल्दी में लेके जाएंगे। तो गाइस 20,000 का फोन की जो कैटेगरी है, पहले आते हैं पोको X5 Pro। ये जो पोको X5 Pro है वो लॉन्च डेट होगा 6 फेब के अंदर, और इसके अंदर हमें जो जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा वो है स्नैपड्रैगन 778G का एक चिपसेट, ये थोड़ा सा वर्ल्ड थोड़ा सा पुराना चिपसेट है। जो डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ 6.67 इंच का डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 108 MP का, और 5000 mAh का बैटरी, 6.67 वाट का चार्जर। और जो लॉन्च डेट होगा वो 6 फरवरी के अराउंड की, उसके पहले उसके आगे हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर आते हैं रेडमी नोट 12 4G। ये जो नोट 12 4G है तो गाइस इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है मीडिया टेक का G99 प्रोसेसर, गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। फिर आते हैं मोटोरोला की E30 या फिर मोटोरोला E22, इन दोनों फोन लॉन्च होगा। जो मोटोरोला का जो E30 का जो फोन है या फिर E30 एंड E22, इसके हमें देखने को मिल सकता है। इसके अंदर वो यूनिसॉफ्ट का T606 का प्रोसेसर, 6.73 इंच का 120 हर्ट्ज IPS पैनल का डिस्प्ले। जो कैमरा सेटअप है वो 30 MP + 12 MP का कैमरा सेटअप, जो 5000 mAh का बैटरी और 20 वाट चार्जर के साथ हमें देखने को मिल जाता है। फिर हम आते हैं इन्फिनिक्स की तरफ, इन्फिनिक्स नोट 12 पाई है, बहुत ही मिड रेंज में जाके लॉन्च हो सकता है, मार्च के मिड रेंज या फिर फरवरी के मिड रेंज में जाके हमें देखने को मिल सकता है। इसके अंदर देखने को मिल सकता है मीडिया टेक विनो G85 प्रोसेसर, 6.7 इंच का एमोलेड स्क्रीन, 5000 mAh की बैटरी और 30 वाट चार्जर हमें देखने को मिल सकता है। फिर हम आते हैं इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज का, गाइस देखिए हॉट सीरीज है, इस हॉट सीरीज के लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब ये लॉन्च होगा। इसे कोई ऑल्टर्स अभी तक हमें नहीं मिला, पर लॉन्च होगा फरवरी के मिड रेंज या फिर एंड में जाकर हम देखने को मिल सकता है। फिर आते हैं हम टेक्नो पोबा सीरीज है, ये भी हमें जल्दी मार्केट में देखने को मिल सकता है। फिर हम आते हैं गाइस रियलमी 10A 5G। तो गाइस ये जो रियलमी जो 10A 5G जो सीरीज है, ये सीरीज मुझे लगता नहीं कि रियलमी ने 10 का बहुत ज्यादा पैकेज लेके आया है। रियलमी 10 Pro, 10 Pro Plus, 10 Pro, 10 4G, अब आया है 10A 5G। यार गाइस रियलमी 10 का इतना सारा फोन क्यों लेके आया है? तो चलिए गाइस स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। जो 10A 5G फोन है, इसके अंदर हमें मीडियाटेक गैलेक्सी का 810 चिपसेट देखने को मिलेगा, 6.6 इंच का 90 हर्ट्ज IPS LCD डिस्प्ले के साथ देखने को मिल सकता है, 33 वाट का चार्जर, 5000 mAh का बैटरी, और मिड रेंज में जाके देखने को मिल सकता है वही फरवरी के मिड रेंज में जाके OnePlus Nord C3। तो गाइस जो OnePlus जो Nord C2 Lite था, अब आया रहा है OnePlus Nord C3। Nord C2 था, अब Nord C3 भी आ चुका है, आएगा फरवरी के महीने में या फिर मार्च के महीने में देखने को मिल सकता है जो नॉट 3। और देखा जाए तो मार्च में हमें नॉट 3 भी देखने को मिल सकता है, नॉट 3 उसके बाद आएगा नॉट C3। तो ये जो C3 है उसके जो डिटेल्स, जो नॉट C3 का जो डिटेल्स उसके हमें अंदर देखने को मिल जाए, स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर, 6.7 इंच का LCD पैनल, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 33 वाट का चार्जर, 5000 mAh बैटरी, और ये फरवरी के एंड में जाके हमें देखने को मिल सकता है। पहले ग्लोबली लॉन्च होगा, उसके बाद हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो गाइस एक 20,000 के बजट के जो भी फोन है मैंने लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो गाइस 20,000 के ऑल डिटेल्स देखिए। तो गाइस कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब जो आखिरी जो वीडियो लेके आ रहा हो वो ग्लोबल और चाइना के लिए, तो उसके बाद हमें इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। गाइस बहुत ही बड़ा वीडियो था, इसलिए मुझे स्किप करके मुझे वीडियो को पार्ट करके मुझे लेके आना पड़ा है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा ग्लोबली के जो चाइना और ग्लोबली लॉन्च होगा, फिर उसके बाद हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो तब तक के लिए बाय गाइस, चैनल पे देखते रहना मेरे वीडियो को, और वेट कीजिए नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए गाइस तब तक के लिए बाय, कीप प्रैक्टिस।